थी, पर अब मजे की बात है लोग मुझे बोलते हैं अब 21 की नहीं है, झूठ बोलती है। मैंने कहा ठीक है, 21 से बड़ी उम्र क्यों? ओके, मैं गूगल ने 27 लिखा हुआ है मुझे, ठीक है। मैंने कहा चलो खैर होगी, मैं क्या अब ये बैठ के अब किसी और से ये तो इतनी छोटी सी लग रही है। अरे डिसाइड वन थिंग ना, या तो मैं 21 की नहीं हूँ या मैं छोटी नहीं हूँ, कुछ कुछ कर लो। इसमें बात ये नहीं है कि मीरब कितने सालों की, बात ये है कि इतना इसमें क्यूरियोसिटी है लोगों की, हर चीज में हर इंटरव्यू के बाद मैं देखता हूँ कि वो एक बात शुरू हो जाती है कि ये मीरब ने अपनी उम्र गलत बताई है। What's the point? Anyway, I'm 57. क्या हो गया इसमें? कुछ नहीं होता। यहाँ से ये शुरू हुआ सजाद अली की वीडियो से, एंड माशाल्लाह सिल्फियान में आपका जो किरदार था, फाइनली जब आपको ड्रामा मिला सबने बड़ा अप्रिशिएट किया। मुझे मीरब जो तकलीफ हमेशा होती है और मैं आपसे उसका जिक्र पर्सनली करता भी रहता हूँ, सिल्फियान के बाद आपने जो दो किरदार किए फरिस्तान में और बबाल में, हाँ जी, दे नीदर डिड दे डू जस्टिस टू योर क्राफ्ट, योर स्किल, और इवन योर पर्सनैलिटी दैट वी सी ऑफ स्क्रीन। व्हाई डिड यू एक्सेप्ट दीज कैरेक्टर्स? सो आई थिंक व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट यू डोंट रियली हैव अ क्लू कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपको ऑफर्स आ रही होती हैं, आई थिंक अब आकर थोड़ा सा मैं समझ गई हूँ। वो भी एक अच्छा, आई थिंक मतलब मेरे लिए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक अच्छा लर्निंग था जिंदगी में। बट ये था कि यार मुझे परिस्तान अच्छा लगा था, इट वॉज अ रमजान प्ले, एवरीबडी टोल मी रमजान प्लेस करने चाहिए, तरह टी आर पी ये होता है वो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कर लिया, लेकिन आई फाउंड अ लॉट ऑफ फन इन डूइंग इट एज वेल। बबाल का ये था कि आई थिंक बबाल मुझे लग रहा था कि मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सीरियस कैरेक्टर था, बट अब मुझे दिल चाह रहा है। हाँ, क्यों लग रहा था मीरब मजा आएगा? मैंने कहा यार इतनी मतलब तो सीरियस परेशान में भी तो सीरियस ही ना, यू आर द ओनली कैरेक्टर। हंसिया करती थी उसमें, फिर भी हंसिया करती थी मैं। हाँ, लेकिन ये था कि मतलब परेशान वाज, आई ऑनेस्टली लाइक परेशान, आई लव्ड बबाल एज वेल, इट्स थिंग दैट आई हैव डन एंड आई मैंने मेहनत लगाई उसमें, तो मुझे वैसे भी हर प्रोजेक्ट से प्यार होता है। बट ये है कि सही है, खैर होगी, मतलब मेरा हमेशा ये रहता है कि ठीक है अगर हो गया, कुछ गलतियाँ होंगी इसमें, नहीं कर पाई तो इट्स फाइन, आगे बहुत सारी ऑप्शंस इंशाल्लाह आएंगी। अब बहुत केयरफुल हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो यंग एक्टर्स, यंग लड़के लड़कियाँ, बच्चे बच्चियाँ हैं, जब उनको एक्टिंग में चलो मौका भी मिल जाता, मैं वहाँ से नहीं शुरू करता कि यार मौका ही नहीं मिलता, जैसे आपको मौका मिल गया अभी भी एट दिस पॉइंट, जब आपने दो तीन ड्रामे कर लिए हुए हैं, डू यू स्ट्रगल विद with the choice of scripts? आपको ऐसा लगता है यार कि कोई सीन नहीं, मैं क्या करूं यार, जिस तरह के स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, मैं कौन सा रोल करूं? क्या है, take us through that thought process and that journey. So मुझे बीच में scripts हसन भाई in all honesty आई थी, मुझे शुरू में भी आई थी सिंफान से पहले, लेकिन it's very unfair and I think it's very unfortunate कि आपको नहीं वो वाला ब्रेक मिलता because of these scripts, जो बाकी माशाल्लाह से established artist को एक अच्छी स्क्रिप्ट usually मिल जाती है, और जो नए नए बच्चे आ रहे होते हैं उनको इट्स वेरी डिस्करेजिंग आई फील लाइक, एंड अ लॉट ऑफ पीपल फोर्स यू एंड दे से कि देखो डायरेक्टर कितना बड़ा नाम है, या सब छोड़ो कास्ट कितनी बड़ी है। यार वो तो ऑब्वियसली मैटर करती है, बहुत अच्छी बात है, पर जब आपका कोई है ही नहीं वैल्यू, यू नॉट एडिंग वैल्यू टू द ड्रामा, आपका किरदार ही नहीं मजबूत, एग्जैक्टली, तो फिर क्या पॉइंट है आप मतलब। और मैंने बहुत चीज़ देखी है कि शुरू में मैं बहुत गिल्टी फील करती थी कि यार अगर मैं स्क्रीन से हट गई तो फिर तो खत्म। हाँ, फिर तो क्या मैं क्या करूँ, आंख हो जल पहाड़ हो जल, एग्जैक्टली मेरी अम्मी ये बोलती हैं बाय द वे। लेकिन ये कि फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार, अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ है ना वो मुझे मिल जाएगा, वो हो जाएगा, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगी जस्ट फॉर द फैक्ट कि वो बस ये डर है कि आंख हो जल पहाड़ हो जल। बट मेरा भी इसकी एक फ्लिप साइड भी है ना, वो ये कि ये जो एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं ये भी तो इसी ग्राइंड से गुजर के आगे बढ़े हैं, तो वो क्या वजूहत होती है, वो क्या मौके ऐसे, क्या ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहाँ पे एक स्ट्रगलिंग एक्टर, एस्पायरिंग एक्टर थोड़ा सा इंच करता है वो स्टारडम की तरफ, या बीइंग यू नो कंसीडर्ड एज एस्टैब्लिश्ड एक्टर? सो द थिंग इज, ये मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो इफ इट्स राइट, मेरा ओपिनियन ये है कि एक टाइम पे जो ये जिस स्ट्रगल से गुजरे हैं ना, देयर वर नॉट सो मेनी आईज ऑन देम, इतनी आंखें नहीं थी जो अब सोशल मीडिया की आवाम ने डाल दी हैं। अब यानी कि पिछले 3-4 साल में, या अब आप खुद देख सकते हैं ट्विटर पे, आप इतनी सी गलती करें ड्रामे में, देन यू आर ट्रेंडिंग, यू आर ट्रेंडिंग, आपका आपने इतनी कर ली दर्ड कोई तो बकवास है, दे वोंट सी द फैक्ट कि इसका पहला ड्रामा होगा या दूसरा होगा या तीसरा। और ये पहला दूसरा तीसरा का मतलब ये नहीं कि आप तो टाइम बाद देख रहे होते हैं ना, हम तो शूटिंग नेक्स्ट डे से शुरू कर लेते हैं, बिल्कुल, वो तो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू मतलब यू नो हम लोग बेसिकली इतना इस्टेब्लिश नहीं कर सकते अपने आप को, या इतना बढ़ नहीं सकते अपने क्राफ्ट में कि अगर हम हर दिन शूट करें, तो इतनी जल्दी आपके ऊपर ओपिनियन फॉर्म हो जाता है कि आप बहुत केयरफुल रहना होता है। इट्स नॉट इवन अबाउट द स्टारडम एनीमोर, इट्स लाइक अगर आप स्क्रीन पे आ रहे हैं किसी काम के लिए,
तो इट शुड बी समथिंग दैट यू ऑल्सो लाइक, यू नो. मुझे लग रहा है ऐसे कि अब मुझे लग रहा था कि मैंने सिंफेहान में इवन एक गलती कर दी थी, मेरा एक्सेंट. सही था, क्या था यार. लेकिन ट्विटर पे काफी लोगों ने मतलब मुझे काफी तो खैर नहीं, कुछ चंद मन थे मेरे तो काफी थे, उनके मैं नया नया शुरू किया था. लेकिन ये था कि पीपल वर लाइक ओ मीरब ने तो ऐसे कर लिया. अब उन्होंने ओपिनियन एक फॉर्म कर लिया कि पख्तून एक्सेंट नहीं थे, कि ये क्यों इतना ऊपर नीचे दोनों का चार था, यमुना और मीरब का. मैंने कहा डिड दे फॉरगेट कि ये मेरा पहला है. आई एम श्योर, देखो क्रिटिक जरूरी होती है, बहुत अच्छी बात है, बट एक ओपिनियन फॉर्म कर लेना आफ्टर वन प्रोजेक्ट of a person starting out for the first time. तो इसलिए मुझे लगता है अब लोग बहुत डरते हैं कि यार अच्छी स्क्रिप्ट चूज करें, गंदी कर ली फिर तो नाम धब्बा ही लग जाएगा आपके ऊपर. And I've spoken to a lot of people who are starting out and they've said the same thing.